अब जैसे लिमिट फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है, ये हम पढ़ भी चुके हैं अभी लास्ट लेक्चर में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में, कि हमारा एक एफ एन सीक्वेंस है, उसकी एन की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं, तो एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर वो लिमिट किसी अलग अलग एफ एक्स आ रहा है एक, तो उसकी जो एफ की जो हमारा सेट बन के आता है उसे ही हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था। उस सेट पे जो अलग अलग पॉइंट होंगे हम उसे पॉइंट वाइज कन्वर्स कह देंगे, और जो मिलके वो सेट सेट बनेगा उसे हम कहेंगे लिमिट फंक्शन ओवर सीक्वेंस। अब से बात कर लेते हैं ये डेफिनेशन है क्या। तो ये थी ब्रीफ में हमारी डेफिनेशन, लेट एफ एन बी आर रियल वैल्यू फंक्शन। एफ एन क्या है हमारा रियल वैल्यू फंक्शन, क्योंकि हमारा किस पे टेंड करता है या किस पे मैप होता है एफ एन, आर पर। तो जैसे हमने पॉइंट वाइज में भी देखा था, तो एफ एन रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन एन ओन अ मैट्रिक्स स्पेस, डिफाइन किस पे, मैट्रिक्स स्पेस ऑफ फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, हर एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू एन के लिए। वी सपोज डैट फंक्शन एफ एन टेंड टू अ डिफाइन लिमिट एफ एन, यदि हमारा एक डिफाइन लिमिट की तरफ टेंड करे, यानी कि एक रियल नंबर की तरफ टेंड करे, तो लिमिट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन आर एक्स इन आर स्पेस, यानी कि एक कैपिटल एक्स हमारा स्पेस है, उससे हमने अलग अलग एक्स के वैल्यू लिए, उसके लिए एफ एन की वैल्यू, यानी कि एफ एन में हम अलग अलग एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एफ एन एक्स होता है क्योंकि हम एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एक्स की अलग अलग वैल्यू, जैसे एफ एन एक्स है तो एफ एन एक्स में एक्स की वन वैल्यू पुट करिए, एफ एन वन हो गया, एफ एन टू हो गया, एफ एन थ्री हो गया, इस तरीके से हम इसकी अलग अलग वैल्यू के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उससे मिलके जो फंक्शन बनेगा उसे ही हम कहेंगे लिमिट फंक्शन। दिस मीन डैट इफ सी इज द एनी पॉजिटिव एनी पॉइंट इन एक्स, यदि हमारा सी एक पॉइंट है किसी स्पेस एक्स में, तो हम उसमें करेंगे क्या, एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, तो हमने एफ एन सी हो गया, एफ एन सी इज डैट एफ वन सी, एन की अलग अलग वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, या हमारा एक्स मिल गया सी में। अब सी के लिए हम एन की अलग अलग वैल्यू को किस पे टेंड करवाते हैं, रियल नंबर पर, तो हम इसी तरीके से हमने एन की वैल्यू वन रखी, एन की वैल्यू टू रखी, एन की वैल्यू थ्री रखी, ये सभी हमारी क्योंकि किस पे एक पर्टिकुलर नंबर पे रियल नंबर पे टेंड कर रही हैं, जिसे हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे ही हम एफ को क्या कहते हैं, लिमिट फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस। ये जो कंप्लीट हमारा फंक्शन बना है इसे ही हम कह रहे हैं लिमिट फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस। और जो जो इसके लिए हमारी वैल्यू आ रही है, क्योंकि हम एफ वन सी निकालेंगे, एफ टू सी निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्स करेगा ना, जब भी हम रियल नंबर पर कन्वर्स बताएंगे इसे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, उसे हम उसकी लिमिट बोल देंगे कि इस लिमिट के लिए कन्वर्स कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये हमारा लिमिट फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन।